एक हेलीकॉप्टर, 6 SUV, 70 गाय, कई स्कूल कॉलेज और अस्पताल, जानिए कितना बड़ा है ब्रजभूषण सिंह का साम्राज्य। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह कई शैक्षणिक संस्थानों के मालिक हैं। उनके संस्थानों में लगभग 80,000 स्टूडेंट्स और 3,500 से अधिक शिक्षक हैं। सिंह के खिलाफ भारत के कुछ शीर्ष पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। गत एक महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्रजभूषण सिंह का साम्राज्य, 54 ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जिससे कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम जुड़ता है। इनमें से कई संस्थानों के वे प्रत्यक्ष तौर पर मालिक हैं। ये सभी संस्थान अयोध्या गोंडा राजमार्ग के दोनों ओर हैं, जो चार जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती से होकर गुजरते हैं। गोंडा जिले का नवाबगंज ब्रजभूषण सिंह के साम्राज्य का मुख्यालय माना जाता है। इस क्षेत्र में कई शैक्षिक संस्थान और युवाओं किसानों को लक्षित योजना चलाकर सिंह ने अपना दबदबा बना लिया है। सिंह की उदारता से नवाबगंज में रहने और काम करने वालों की एक बड़ी संख्या उनके प्रति वफादार हो चुकी है। ऐसे में नवाबगंज के बहुत कम लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बात करते हैं और उससे भी कम उनसे जुड़े हालिया विवाद पर बोलते हैं। कैसे काम करता है ब्रजभूषण सिंह का साम्राज्य? नवाबगंज में कॉलेजों के अलावा ब्रजभूषण सिंह का एक होटल, एक शूटिंग रेंज और एक राष्ट्रीय कुश्ती अकेडमी है। रोजगार के कम अवसरों वाले इस क्षेत्र में सिंह युवाओं के लिए वार्षिक टैलेंट हंट, किसान सम्मान, इसके तहत किसानों को उपहार के रूप में मुफ्त बछड़े दिए जाते हैं और खेल मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें पुरस्कार के रूप में नगद राशि भी दी जाती है। इन सब में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध टैलेंट हंट है, यह गोंडा के कॉलेज और स्कूलों में कराया जाता है। प्रतियोगिता के लिए OMR परीक्षा पत्र जिले भर की संस्थाओं को भेजा जाता है। विजेता को आमतौर पर एक मोटरसाइकिल या स्कूटी मिलती है, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे पुरस्कार के विजेताओं को 22,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलता है। कैसे बना ब्रजभूषण सिंह का साम्राज्य? जिले के एक वरिष्ठ भाजपा नेता बताते हैं कि हमने पिछले 2 दशकों में ब्रजभूषण सिंह के साम्राज्य का उदय देखा है। यह सब 1990 में नवाबगंज में नंदिनी नगर कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जिसने आधिकारिक तौर पर 1995 में काम करना शुरू किया। जल्द ही सिंह ने दूसरे बिजनेस में भी हाथ आजमाया और अब उनके पास स्कूल, कॉलेज, होटल और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। भाजपा नेता के अनुसार ब्रजभूषण सिंह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी शुरुआत अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज से होती है, जहाँ सिंह छात्र संघ के नेता थे। इसी दौरान यह 1980 और 90 के दशक में मंदिर और आंदोलन के नेताओं के करीब आए।